नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि जैसे सहारा म्यूचुअल फंड डूब गया, खत्म हो गया, वैसे ही हमारा भी म्यूचुअल फंड खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैंने 100 रुपया भी लगाया था और कहीं दूसरे जगह पे अगर 100 रुपया लगाया होगा म्यूचुअल फंड में कहीं भी, तो वो 100 रुपया आपको देखने को लिए नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता है। कहेंगे कि अरे कहाँ चले गए थे, अब इस 100 रुपया का क्या वैल्यू है, खत्म हो गया, कहाँ थे इतना दिन। पर हमने 100 रुपया अगर कहीं लगाया था तो देखते हैं उस 100 रुपया अभी भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, और वो 100 रुपया का वैल्यू क्या है अभी निकालेंगे तो वो 100 रुपया भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कौन सा डेट है, ये 28/8/2014 में मात्र यहाँ पे 100 रुपया जमा हुआ है। 3-3 हज़ार का SIP भी चल रहा था और 100 रुपया भी गया था। 100-100 रुपया का पर मंथ का भी SIP 8 चल रहा है। कभी दूसरे वीडियो में बताएंगे कि 100-100 रुपया का SIP में क्यों चला रहा हूँ। उस 100 रुपया का वैल्यू आज है 491 रुपया, लगभग 5 गुना पैसा हुआ है 2014 से लेके अब तक। 10 साल हुआ है, 4.9 गुना पैसा हुआ है। तो 100 रुपया भी डूबा भागा हेराया नहीं। जहां तक ये बोलते हैं ना कि सहारा में पैसा डूब गया, एक्चुअली सहारा में पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं डूबा। सहारा बिजनेस करते थे, FD का काम करते थे, चैन सिस्टम काम करते थे, हाउसिंग का काम करते थे, रिटेल में काम किया। मेरे एक मित्र ने रिटेल उनका खुलता, शोरूम खुलता ग्रोसरी का या क्या था, 15-20 लाख रुपया दिया। सुना भी होगा धोनी प्रचार कर रहा था, धोनी की फेर में बहुत लोग गया है प्रचार प्रचार कर। अब वो पता नहीं दूसरा दूसरा ऐप का और इसका प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है ना सेलिब्रिटीज, ऐसा ऐसा प्रचार करके उसके आप फैन में हैं तो फैन की तरह झूलते रह जाएंगे। तो रिटेल का बिजनेस में धोनी को देख करके हमारे मित्र ने 15-20 लाख रुपए लगा दिया और उसके बाद सो गया। पता ही चल रहा कौन सा रिटेल कहाँ खुला, पता ही चल रहा है आपको। शायद क्यू शॉप करके नाम था, आप लोग भी जानते होंगे। तो ये सारे बिजनेस धीरे 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 कर पता चला कि नॉर्मल इंसान को, आम आदमी को चूना लगाने के लिए बिजनेस खुला है। होना जाना कुछ नहीं है, दिखावे का कर दिया TV मीडिया रिंगटोन में, और बाकी धरती पे कुछ हुआ ही नहीं। 1,000 आदमी से पैसा लिया, 5 स्टोर खुला, उसके बाद कुछ है ही नहीं। सब में सारे बिजनेस को देखते हुए सेबी रेगुलेटर ने बोला कि भाई आपका जो सहारा म्यूचुअल फंड है, आपको देखते हुए ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए नॉट फिट फॉर म्यूचुअल फंड, तो मतलब इनका लाइसेंस रद्द करते हैं। म्यूचुअल फंड में जब ऐसा पहली बार केस हुआ कि किसी कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया, जब ऐसा होता है तो 30 दिन के अंदर इन्वेस्टर का जितना पैसा है वो क्रेडिट होता है अकाउंट में ऑटोमेटिक। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है पैसा नहीं आया होगा, मुझे भी व्हाट्सअप आया था कि मेरा पैसा नहीं आया है, उसका KYC नहीं हुआ होगा या अकाउंट डिटेल्स होगा ही नहीं। आपने पैसा पहले कैश चलता था या अकाउंट से पैसा दिया, किस अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा वो मेंशन ही नहीं है, तो किसको पैसा देंगे। वैसे स्थिति में आप ऑफिस से फोन करेंगे कि मोबाइल में ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं होगा। कैम्स कार भी जाइए, पैसा कहीं नहीं जाएगा, कागजी कार्रवाई भले होगा। अब सारा म्यूचुअल फंड खत्म हो चुका है, वाइंडिंग अप हो चुका है, फिर भी आपके पास पैसा है तो कार्रवाई कैंप्स जाएंगे, रजिस्ट्रार में जाएंगे, सारा दस्तावेज देंगे, तो टाइम लगेगा लेकिन पैसा कहीं खत्म नहीं होता है। वो 100 रुपया का वैल्यू मैंने दिखाया है, 490 रुपया अभी भी हो रहा है, तो पैसा कहीं भी नहीं जाता है। अब यहाँ पे दूसरा एक मैं दिखाता हूँ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में फरवरी 2014 से, और कब तक जमा किया, 2018 तक। कभी कितना कितना पैसा जमा किया, 1 लाख, 1,61,000, 3,200, 46,000, 1,93,000, 40,000, ऐसे करके 5,44,000 जमा हुआ। उस पैसे का वैल्यू आज अगर देखा जाए तो 21,40,000 है। वहां से मैं पर मंथ पेंशन लेना शुरू किया हूँ SWP। 1 फरवरी से मेरे पास 12,000 रुपये पर मंथ आ जाएगा। जमा हमने लगभग 5.5 लाख किया, उसका वैल्यू इतना हो गया। मतलब 2000 कब से, 14 से लेके 18 तक किया, 4-5 साल किया और छोड़ दिया उस पैसे को, 6 साल। उसके बाद जब ये पैसा हुआ है ऐसा, अब यहाँ से पेंशन लेना शुरू किया हूँ। दूसरा ये है कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि मैं स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने सारे फंड को निकाल दिया है, यहाँ पे सिर्फ एक्सिस ELSS टैक्स सेवर है, बाकी सारे फंड मेरे स्मॉल कैप हैं। एक्सिस स्मॉल कैप में 11,29,000 है और लाइफ टाइम हाई पोर्टफोलियो चल रहा है। तो DSP स्मॉल कैप में पैसा बचा हुआ है, 6 लाख का वैल्यू 9,30,000 दिखाया जा रहा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 4 साल पैसा जमा किया था, अब 12,000 रुपये पर मंथ पेंशन ले रहा हूँ। HDFC स्मॉल कैप बचा हुआ है 3,96,000, लगभग 4 लाख का वैल्यू आज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 6,52,000। यहाँ पे कितने का रिटर्न,
30% का रिटर्न कभी दिखता नहीं है, ये लाइफ टाइम हाई चल रहा है। जो भी काम करना है बड़ा काम, पैसा निकालिए मार्केट से और उसको पूरा कीजिए। आईसीसी पोटेंशियल स्मॉल कैप 4,68,000 का वैल्यू आज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 7,18,000, 28% का रिटर्न। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे पहला फंड, 8,35,000 का वैल्यू, किसी को भरोसा नहीं होगा, 36,91,000 है, 3,000 का एसआईपी चल रहा था, 20% का रिटर्न यहाँ पे सालाना मिल रहा है। तो इस तरह से करके अभी जो मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है, टोटल मैंने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड वैल्यू है 50,71,000, कुछ एसआईपी, कुछ लमसम, जैसे जैसे जिंदगी में पैसा आता गया झोंकते चले गए, उसके पैसे का वैल्यू आज जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1,18,97,000, लाइफ टाइम हाई चल रहा है, 23% का रिटर्न है। कोई भी बड़ा काम हो, मुझे जो करना था रेडी मोडिंग कर करके सिर्फ स्मॉल कैप को छोड़ा हूँ, बाकी जितने भी था मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, सबको निकाल करके प्रॉपर्टी खरीदा जो रिसेंटली बताया था। तो इस तरह से करके अब मेरे पास सिर्फ स्मॉल कैप है। अब एक चीज और है कि डूब गया तो वो तो जान गया कि कोई भी वाइंडिंग अप होता है, रेगुलेटर करे, कंपनी करे, कोई भी करे। मान ले कोई कंपनी बोले मुझे म्यूचुअल फंड बिजनेस नहीं करना है, अच्छा बेटा नहीं करोगे, सही भी कहते हैं बेटा नहीं करना है, अच्छा नहीं लगता है, कहाँ जाना है, चांद पे जाना है, वहां पे प्लॉट खरीद के काटना है, वहां बिल्डिंग बनाना है, म्यूचुअल फंड नहीं करना है, मत करो। एक महीना के अंदर सारा का सारा पैसा अकाउंट में इन्वेस्टर को आ जाएगा, आप खुद दे दो या इन्वेस्टर निकाल लो, वो टाइम रहता है, वो मैं एग्जैक्ट 30 दिन नहीं बता पा रहा हूं, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। तो वो पैसा अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन उसका दूसरा उपाय है कि भाई हम म्यूचुअल फंड चलाते थे, हमको कोई खरीद लेगा। मतलब उदाहरण देते हैं, रिलायंस म्यूचुअल फंड कभी हुआ करता था छोटा भाई वाला, वो चला नहीं पाया या दिवालिया होने लगा, उनको खरीद लिया निपॉन म्यूचुअल फंड, जापान का कंपनी है। मेरा रिलायंस ग्रोथ फंड था 3,000 का एसआईपी, उसका नाम बदल गया है, निपॉन ग्रोथ फंड हो गया, तो खरीद लिया इसको। अब मैनेजमेंट चेंज हो गया, इसका फंड मैनेजर कोई और होगा, इसका कोई और होगा, या मैनेजमेंट भी सेम ही होगा, वो इन पे निर्भर करता है। अब निपॉन वाले कंपनी के मालिक पे निर्भर करता है किसको रखना है, किसको निकालना है, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा कहीं नहीं जाएगा। मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, ऊपर में चेहरा मोहरा चेंज हो सकता है, एम्प्लॉय का आईडी कार्ड चेंज हो सकता है, नाम बदल सकता है, बोर्ड बदल सकता है, कॉल सेंटर में जब फोन करेंगे रिलायंस में आपका स्वागत है, अब बोलेगा निपॉन म्यूचुअल फंड में आपका स्वागत है, इस तरह से छोटा छोटा चेंज होगा, पैसे पे कोई चेंज नहीं होगा, मैनेजमेंट में चेंज हो सकता है। अब एक उदाहरण और लेते हैं, पहले कभी बैंक ऑफ राजस्थान हुआ करता था, बूढ़े पुराने लोग हमारे जैसे लोग होंगे, अंग्रेज के जमाने के जेलर पुराने लोग तो जानते होंगे बैंक ऑफ राजस्थान, अब नहीं है, उसको आईसीआईसीआई बैंक ने खरीद लिया, तो क्या उसमें जो अकाउंट था लोगों का पैसा खत्म हो गया? सब कुछ वैसे ही है, आईसीआईसीआई बैंक में चल रहा है, अब आई कार्ड अलग है, कंप्यूटर अलग है, तेजी अलग है, मैनेजमेंट चेंज हो गया। तो इस तरह से करके मच फंड कभी भी जब होगा मैनेजमेंट चेंज होगा। कोई बोलता है कि बिजनेस करना ही नहीं है, रेगुलेटर बोले बंद करो, शटर गिराओ, तो सारा पैसा अकाउंट में आ जाएगा, उनका नहीं आएगा, डिटेल्स जिनका नहीं, ईमेल आईडी नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, नॉमिनी नहीं है, मतलब रेगुलेटर बोले कि भाई ये चीज नहीं है तो पैसा नहीं देंगे, नहीं देने के बहुत रीजन हो सकते हैं, इसीलिए बीच बीच में सब कुछ जो बोले म्यूचुअल फंड में अपडेट कराते रहिए। इसलिए बोलता हूं बड़े ऐप के साथ अगर म्यूचुअल फंड करेंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन मोबाइल में आएगा और आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे चीजों को, पता चलता है 10 साल के बाद आपने सेल्फी अपलोड नहीं किया था, ऐसे तो नियम कुछ भी आ सकता है बाद में, जो भी आएगा कि हर महीना सेल्फी आपको अपलोड करना है, नहीं करेंगे तो रिडम्पशन करने नहीं देंगे, जो भी आएगा उनके साथ चलना पड़ेगा, सर झुका करके उनके नियम का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं देंगे, क्योंकि अब हम तो उसके उसके पास है पैसा हमारा, हम वहां पे बंधे हुए हैं, तो जो जो बोलेगा हमको करना पड़ेगा। कभी कभी तर्क संगत बात नहीं लगता है, उनके लिए भी बाध्य किया जाता है जो मुझे समझ में नहीं आता है। आगे है कि सच में अगर डूब जाए तो, अगर सच में डूबना पड़े वो कैसा स्थिति होगा कि सच में डूबना पड़े, तो सच में डूबने के लिए मान लेते हैं कि आपने किसी फंड में पैसा लगाया, उदाहरण के तौर पे SBI स्मॉल कैप में लगाया, आपके फंड मैनेजर ने अलग 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 करके 60-70 कंपनी में लगाया, अब इसको डूबने के लिए, आपके पैसे को डूबने के लिए सारे कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है उसको डूबना पड़ेगा, कैसे यहां देख लेते हैं। SBI स्मॉल कैप है और आपने पैसा लगाया 10,20,00,000, 5,00,000 SIP जो भी है, ऑल होल्डिंग है यहां पे। अब इतना कंपनी है, ब्लू स्टार, SBFG फाइनेंस, CMS इन्फो, ये सारे कंपनी को एक तरफ से
दिवालियाना, वो कैसे होगा, ऐसे करते हैं ना ताश का गड्डी लगा देते हैं और एक गिराते धर 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 सब गिर जाता है, देखा है ना, ऐसे करके बच्चों का खेल होता है, ईंट बिछा दिया यहां से वहां तक 50-60, एक ईटा गिरा है धर 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 सब गिर गया ऐसे करके, तो इस सब कंपनी को डूबना पड़ेगा। तो कैसे होगा, इस पे भी परमाणु बम, 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 सब 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 खत्म। जब सब खत्म हो जाएगा तो आपको लगता है कि हम और आप जिंदा रहेंगे और वीडियो पीछे जो कैमरा बना रहे हैं वो कैमरामैन स्माइल दे रहे होंगे, सब खत्म होगा तो सब खत्म होगा। इतने कंपनी जब खत्म होगा ना बाबू साहब, कोई धरती पे बचने वाला नहीं है। तो घबराइए नहीं, हमारे म्यूचुअल फंड के पैसे को डूबने के लिए मैं इतने इतना कॉन्फिडेंस हूँ, जिंदगी में सारा पैसा म्यूचुअल फंड में और कहीं है ही नहीं, बस एक फ्लैट लिया इसके अलावा सारा पैसा मच फंड में झोंका हुआ है, तो नहीं जा सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड तो मैं जहाँ जहाँ जगह जगह जाता हूँ, राजू भैया आपका वीडियो देखा, थोड़ा मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, हमारे पास भी लोग मिलने के लिए, पोर्टफोलियो देख लीजिए। सबको एक बार बताता हूँ, आप जहाँ भी इन्वेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड में, अगर इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं अगर इन्वेस्टेड हैं तो डायरी में लिख लीजिए आज का डेट और मैंने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। आप म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं भी इन्वेस्टेड हैं, अगर 15-20 साल वहीं इन्वेस्टेड रहे तो गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मचमच फंड का बात करते हैं। मचमच फंड में अगर आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्टेड है, उन सब को निकाल करके स्मॉल कैप में डाल दीजिए। मैं 8 स्मॉल कैप में हूं और आप जीवन भर देखेंगे मैं वहीं इन्वेस्टेड रहूंगा। हाँ, 8-10 करोड़ हो गया, बूढ़ा हो जाऊंगा, एज हो जाएगा, फिर लार्ज कैप में करूंगा, बैलेंस फंड में करूंगा, लिक्विड में करूंगा, डेट में करूंगा, बाद में सब कुछ पूरा हो गया तब, अभी तो चल रहा है, जवानी है। जिनके पास भी जवानी बचा हुआ है तो उनको स्मॉल कैप में लगाना है, बुढ़ापा आ जाएगा, अब सब कुछ, जो बच्चे सेटल हो गए, जहां जिनको कनाडा जाना था, यूएस जाना था, चला गया, अब हम बूढ़ा बूढ़ी बचे हुए हैं, इतना हलचल मार्केट का नहीं चाहिए, तो फिर लार्ज कैप बैलेंस फंड करेंगे। अभी भरपूर जवानी है, स्मॉल कैप में करेंगे, तो कोई भी फंड हो उससे निकल करके आप स्मॉल कैप में आ जाइए। और जब स्मॉल कैप में आ जाएंगे तो आपको तीन चीज देना है, टाइम, टाइम और टाइम, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। 15 साल से ऊपर है, 12 साल 15 साल से ऊपर है, स्मॉल कैप में आ जाइए, आने वाले दिनों में बहुत पैसा बनने वाला है। अब एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 12 लाख का आप ट्राई कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं ब्रोकर के पास इधर उधर कि 12 लाख का प्लॉट ले लेते ना, अभी तक एक भी प्लॉट लिए नहीं, रहने के लिए तो घर है पर इन्वेस्टमेंट सब लोग कर रहे हैं। अरे हमारे ससुराल वाले ने सब लोग किया है, साला भी लिया, ससुर ने लिया, सब लिया, हम ही नहीं लिए हैं। तो 12 लाख का प्लॉट अगर हम ले लेते तो कितना करोड़पति बन जाते वो देखते हैं। पहला देखते हैं कि किसी ने प्लॉट लिया, कहां लिया वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 12 लाख रुपया 2014 में लगाया तो उसके पैसे का वैल्यू है 1,36,00,000। पिछले 10 साल का बात बता रहा हूं, किसी ने 12 लाख का प्लॉट लिया, क्या 36 लाख भी हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, कॉर्नर कॉर्नर पे ब्रांच है SBI का, अगर SBI स्मॉल कैप में डाला 12 लाख रुपया, बर्फी साइज वाला टुकड़ा ना लेके यहां झोंका, ये वाला प्लॉट खरीदा 2014 में तो उसके पैसे का वैल्यू है 1,26,00,000, 26% का सालाना रिटर्न दिया है। DSP स्मॉल कैप 12 लाख का वैल्यू बनाया है 1,05,00,000, एक्सिस स्मॉल कैप ने बनाया है 12 लाख का वैल्यू 1,02,00,000। जो भी एक्सिस बैंक में नौकरी करते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं, या एक्सिस के कोई भी प्रोडक्ट हो आपके पास, एक्सिस का लाइफ इंश्योरेंस भी बेचते हैं, तरह तरह का चीज उन प्रोडक्ट चलता है, सब जगह से मोड़ मार करके एक्सिस स्मॉल कैप में झोंक दीजिए और वो भी स्मॉल कैप में पैसा लगाते, चाहे SIP कीजिए चाहे लमसम कीजिए। कोटक स्मॉल कैप, कोटक भी बहुत तरह का प्रोडक्ट बेचता है, सब जगह से झाड़ झूड़ के पैसा आप स्मॉल कैप में लगाइए, 2014 में 12 लाख लगाया था उसके पैसे का वैल्यू 93,00,000 रुपया है। सबसे खराब वाला स्मॉल कैप का बात करते हैं, जो बॉटम में होगा जाहिर सा बात है वो खराब होगा, आदित्य बिरला स्मॉल कैप 2014 में 12 लाख का वैल्यू बनाया है 64,00,000 रुपया 18% के रिटर्न से, तब भी बॉटम वाला रिटर्न दिया है। इसलिए मैं बोलता हूं पैसा है तो 2-2 लाख रुपया करके सब में करके डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पहला है कि इनकम टैक्स का नोटिस आएगा क्या अगर विड्रॉवल करेंगे म्यूचुअल फंड से, तो मान लीजिए कि आपने 3,000 रुपए पर मंथ का SIP किए, 20 साल में हो गया 1 करोड़, खट से निकाले अकाउंट में आ गया, खड़बड़ा गया 1 करोड़,
तो घंटी बजेगा क्या इनकम टैक्स का? कैसे बजेगा भाई, जीवन भर का पैसा डाला है। अगर आएगा भी मान लेने नोटिस, प्रेम पत्र आ गया, तो बोलेंगे ना, अरे भाई साहब हमारे पास सब कुछ व्हाइट व्हाइट है, ब्लैक ब्लैक नहीं है कुछ, कोर्ट भले ब्लैक है पैसा व्हाइट है, कोई नोटिस फोटिस नहीं आएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, स्टार एसआईपी म्यूचुअल फंड ऐप बंद हो जाए तो हमारे पैसा कैसे आएगा? वही ऐप कुछ भी नहीं है, चलता फिरता एलआईसी वाला एजेंट है। ऐप खत्म हो जाए, वेबसाइट खत्म हो जाए, आपने खरीदा क्या था? एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, ये खरीदा था, एसबीआई बुल्लू चिप ये खरीदा था। आप उसके ब्रांच में जाएंगे, पैसा निकाल लेंगे, ऐप से कोई मतलब है नहीं। एक ऐप बंद होता है ना, सैकड़ों ऐप है, आप कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कार भी जा सकते हैं, कैंप जा सकते हैं, खुद एसबीआई एचडीएफसी आईसीआईसी का ऐप है, वहां से कर सकते हैं। सुविधा के लिए आप एक जगह पे स्टार एसआईपी पे देख रहे हैं, वैसे कभी बंद होगा नहीं। कितने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपया डालू एसआईपी के थ्रू, 2,000 रुपया करके, 5 करके देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं। जैसे ही आप जाएंगे starsip.in में, ऐसे करके लिखेंगे गूगल पे starsip.in, ऐप भी है वेबसाइट पे, इसको टच कर दीजिए, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, इसको टच किया, जैसे ग्राफ को टच, अभी जो खुला वो तो वन टाइम था, टच करेंगे तो एसआईपी आ जाएगा। इसमें आप 2,000 रुपया करके, 5 फंड में 10,000 किया, 10,000 रुपया पर मंथ, आप 2,000 करके 5 में कर देंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, 12 साल 13 साल 14 साल में सारे फंड आ जाएंगे। उस स्मॉल कैप में जो आ रहा है बराबर बराबर सब में कर दीजिए, 2000 एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, फ्रेंकली स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपोन स्मॉल कैप, 2,000 रुपया करके सब में डाल दीजिए। पिछले 14 साल में 10,000 रुपये पर मंथ किया तो 16,80,000 जमा हुआ है और पैसा 99 बना है, कोई धरती पे बना के नहीं दे सकता है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट मार्केट में है दिन और रात, ये 800 करोड़ जनसंख्या ना, उसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं। हमारे जेब से पैसा निकलता है तो कंपनी में जाता है, महीने के 1 तारीख को पैसा आता है तो कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो कंपनी बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। हम अगर उस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हम भी उसके हिस्सेदार होंगे, इसीलिए हमारा पैसा बढ़ के इतना हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस पर्सनल को टर्म प्लान मिलता है क्या या लेना चाहिए? पक्का लेना चाहिए, अगर आप 15-20 साल सर्विस कर रहे हैं, 15-20 साल के बाद डिफेंस जो आपका 30 लाख 50 लाख का इंश्योरेंस दिए हैं वो खत्म हो जाता है और आपका एज 40-45 है, वैसे स्थिति में पीक पे जब लाइबिलिटी होता है आपका डिफेंस जो है इंश्योरेंस बंद कर देता है। एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ डिफेंस को, आर्मी एयरफोर्स नेवी, जो ये जवानों का या अफसर का आप इंश्योरेंस बंद कर देते हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे वो सर्विस में रहे या ना रहे। जब सर्विस से बाहर हो जाए तो उनके पेंशन से आप 50 लाख का इंश्योरेंस करते रहिए, सालाना आप 5,000 रुपया या 6,000 रुपया सालाना काटते हैं, उनके पेंशन से भी सालाना 5,000, 6,000, 7,000 जो भी काटते हैं वो काटिए, आगे कंटिन्यू कीजिए। सोचिए एक जवान 15-20 साल में या एक ऑफिसर 14-15-20 साल में निकलते हैं तो लाइबिलिटीज के पीक पे होते हैं, जो दो छोटे बच्चे हैं, शहर में कहीं घर लिया ईएमआई पे, सारा बोझ है फाइनेंशियली, ऐसे में किसी को कुछ हो जाता है जो कि होता है, तो सोचिए उनके फैमिली पे क्या बीतता है, 10,000, 15,000, 20,000 के नौकरी मजबूरी में नौकरी करना पड़ता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए डिफेंस को चाहिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, आपके सर्विस में हो या ना हो आप कंटिन्यू कीजिए। कितने लोग ऊपर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आएगा ही आएगा, वो तो इंश्योरेंस अकस्मात के लिए, तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आएगा ही आएगा, तो आपके लिए भी अच्छा है और जो किसी को फैटल एक्सीडेंट हो जाए ऊपर चला जाए तो उनके लिए भी फायदाजनक है। लेकिन ऐसा नियम अभी है नहीं, डिफेंस कंटिन्यू नहीं करता है, बंद कर देता है। वैसे स्थिति में जो 15-20 साल में निकल रहे हैं फौज से, उनको एक टर्म प्लान 50 लाख का लेना चाहिए। जब तक आपका एज 55-60 नहीं हो जाता है आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, लेकिन उस टर्म प्लान में 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 से ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए। अगर इससे ज्यादा लग रहा है हाथ जोड़ लीजिए, नहीं करना है सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, लेकिन 50 लाख का इंश्योरेंस 5,000, 6,000, 7,000 सालाना में हो रहा है टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान तो ले लीजिए। मेरा दोस्त लोन लेकर प्लॉट खरीदा और 50% उनका बढ़ गया, प्लॉट में बढ़ गया होगा, 2 साल में बढ़ता ही है, सबका बढ़ता है, और मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया, एसआईपी कर लिया,
निपोन इंडिया स्मॉल कैप 4000, क्वांट स्मॉल कैप 4000, एसबीआई स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 1500, एक्सिस स्मॉल कैप 1500, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 2000, पराग परिक फ्लेक्सी कैप 2000। इससे अच्छा पोर्टफोलियो मैंने आज तक देखा नहीं, कोई गलती नहीं है 100%। ये जो आपका दोस्त है ना, 20 साल में आप इससे आगे निकल जाएंगे। होता क्या है ना, इस दोस्त ने आपका प्लॉट ले लिया, 2 साल में बढ़ गया, अब ये फिर से लोन लेंगे चारों तरफ से, समाज से भी लेंगे 2-3% पे, बैंक से लेंगे, सब जगह से लेंगे, 12-15 लाख रुपए लेके फिर से एक कॉर्नर का बर्फी साइज वाला टुकड़ा लेंगे, क्योंकि इनका जब यहां बढ़ा ना, इनके पास फिर से वो लालच आया कि बस अब तो प्लॉट प्लॉट खरीदते रहेंगे। अब जो प्लॉट खरीदे हैं तो ये ना कभी ये प्लॉट बेचेंगे, ना जो अगला खरीद रहे हैं बेचेंगे। बच्चे को पढ़ाई का टाइम आ गया, बच्चे के शादी का टाइम आ गया, किसी को आपने सुना है समाज में कि उसने प्लॉट बेच के शादी कर दिया? इक्का दिक्का कोई होगा। आप क्या बोल रहे हैं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जो जिसको आप यूटिलाइज करके अपने जीवन यापन पे उसको यूज कर सकें। मैंने किसी को नहीं देखा है कि सोना चांदी बेच करके अपने जीवन पे खर्च करे, या प्लॉट फ्लैट बेच के अपने जीवन पे जीवन यापन में उसका सहयोगी बने। म्यूचुअल फंड से, मार्केट से, एसडब्ल्यूपी करके या फाइनल विड्रॉल करके आप अपने जीवन यापन पे खर्चा करेंगे, तो ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। एक घर ले लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करते जाइए करते जाइए करते जाइए, वो भी एक घर। मैं बोलता हूँ अपना पैसा नहीं है तो नहीं लेना है, जब तक अपना पैसा ना हो जाए घर नहीं लेना है, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आप कंटिन्यू कीजिए, कोई कुछ बोले आप राइट डायरेक्शन में हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो starsip.in में जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद पर्सनल ग्रुप में आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।